गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन फर्स्ट, स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेरी पिंक विला। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर, पेज नंबर 18। डोंट्स यू वरी योर सेल्फ अबाउट एनी थिंग्स, मिसेस डुरेल्स ही हैड्स कॉल्ड इट लीव्स एवरीथिंग टू मी। क्या आप किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करते, श्रीमती डुरेल्स ने वह चिल्लाया था। ही हैड स्कॉल्डेड लीव्स एवरी थिंग्स टू मी, कि सब मुझ पर छोड़ दो। सो ही वुड टेक अस शॉपिंग एंड आफ्टर एन आवर स्वीटिंग एंड वॉरिंग ही वुड गेट द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल्स रिड्यूस्ड बाई पर हैप्स 2 drachmas, इट वॉज नॉट द कैश। तो वह खरीदारी के लिए क्या करता है, जाता है। 1 घंटे के पसीने और गरजने के बाद सिर्फ उसे एक ही वस्तु की कीमत जो है, जो शायद 2 drachmas है, वही कम करवा पाता है, उसको इतनी ही कम कर दी जाती है। drachmas क्या मीनिंग होता है, फॉर्मर यूनिट ऑफ मनी इन ग्रीस, जो ग्रीस की फॉर्मर यूनिट होती है उसमें मनी को जो drachmas बोला जाता है, पैसों को। इट वॉज नॉट द कैश, यह नकद नहीं था, लेकिन बट द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, लेकिन बात का सिद्धांत था, उन्होंने समझाया, ही एक्सप्लेन्ड इट वॉज स्पायरो, कि यह स्पायरो था जो जिसने यह पता लगाया। क्या पता लगाया, वाहू वॉज अनडिस्कवरिंग दैट आवर मनी हैड नॉट येट अराइव फ्रॉम इंग्लैंड, कि हमारा जो पैसा है अभी इंग्लैंड से नहीं आया। टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू गो एंड स्पीक सेवरली टू द बैंक मैनेजर अबाउट हिज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस चीज़ को अपने संगठन की कमी, बैंक के प्रबंधक की, मतलब इसने अपने इंग्लैंड से नहीं आया, उसने अपने संगठन की कमी के बारे में बैंक प्रबंधक से गंभीरता से बात करने के लिए खुद को लिया। यह गंभीर जो है, यह प्रबंधक जो उस बैंक का मैनेजर है, उसका फॉल्ट डिड नॉट डैटर हिम इन द लिस्ट, गलती नहीं थी, उसे कम से कम रोका नहीं गया। इट वॉज स्पायरो, यह स्पायरो था, हु पेड आवर होटल बिल, जो कि हमारे होटल का बिल क्या कर रहा था, भुगतान कर रहा था, जिसने हमारे होटल के बिल को भुगतान किया था, जो जिसने हमारे हमें उस सामान को विला तक ले जाने के लिए। हु ऑर्गेनाइज्ड अ कार्ट ऑफ टू कैरी आवर लगेज टू द विला, उसने हमारे जो सामान है उसको विला तक ले जाने के लिए गाड़ी का भी प्रबंध किया, मतलब उसका गाड़ी का भी इंतज़ाम किया। एंड हु ड्रॉव अस ओवर देयर हिमसेल्फ, जिसने हमें खुद वहाँ से निकाल दिया। हिज कार फिल्ड हाई विद ग्रॉसरी दैट ही हैड परचेज्ड फॉर अस, उसकी कार किराने का सामान जो उसने हमारे लिए ख़रीदा था, कि वह द्वीप पर सभी को जानता था, दैट ही न्यू एवरी वन ऑन द आइलैंड, सभी को जानता था, एंड वेयर एवर एंड दैट दे ऑल न्यू हिम, और सभी उसको जानते थे। वी सून डिस्कवर्ड वाज नो आइडल वोस्ट वेयर एवर हिज कार स्टॉप्ड, उसे हमें जल्द ही पता चला कि कोई बेकार का घमंड नहीं था, उसकी कार जहाँ भी रुकती थी, वेयर एवर हिज कार स्टॉप्ड हाफ अ डजन वॉइसेज वुड शाउट आउट हिज नेम, जैसे ही उसकी कार रुकती बड़ी सारी आवाज़ें उसका नाम को लेकर चिल्लाती थी, उसका नाम लेकर उसे चिल्लाती थी, और हाफ अ डजन वॉइसेस वुड शाउट आउट हिज नेम, हिज हैंड्स वुड बैकॉन का क्या मीनिंग होता है, सिग्नल समवन टू कम नियर, पास आने के लिए सिग्नल देना, टू सिट एट द लिटल टेबल अंडर द ट्री एंड ड्रिंक कॉफ़ी, मेजों पर बैठकर क्या कहते हैं, आवाज़ें उसका नाम चिल्लाती थी, और हाथ उसे पेड़ों के नीचे छोटी मेज़ों पर बैठकर कॉफ़ी पीने के लिए कहते थे। नेक्स्ट है, पुलिसमैन पीजेंट्स एंड प्रिस्ट वेव्ड एंड स्माइल एट ही पास्ट, फिशरमैन ग्रॉसर एंड कैफी ऑवनर ग्रीटेड हिम लाइक अ ब्रदर, और पीने के लिए पुलिसकर्मी, किसान, पुजारियों ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजरा। मछुआरे, ग्रॉसरी, कैफी मालिकों ने उन्हें भाई की तरह एक बधाई दी, लाइक ए ब्रदर, दे रिस्पेक्टेड हिज होनेस्टी, वे उसकी ईमानदारी को सम्मान करते थे।
his belligerence, and above all they adored his typical Greek scorn and fearlessness when dealing with my any of government red tape. उसके जुझारूपन का सम्मान करते थे और सबसे बढ़कर वे सरकारी लाल फीताशाही से किसी रूप में, मतलब सरकारी लोगों से किसी भी रूप में निपटने के दौरान उनके आमतौर वो आमतौर पर निडरता को, उसकी निडरता को मानते थे कि वो निडर व्यक्ति था. आगमन पर लिनन और अन्य चीज़ों से युक्त जो फियरलेस विद व्हेन डीलिंग विद एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेड टेप ऑन अराइवल टू ऑफ आवर केसेस कंटेनिंग लिनन एंड अदर थिंग हैंड कॉन्फिस्केटेड एंड कस्टम ऑफ द क्यूरियस क्राउन्स. वो जो अन्य चीज़ें हैं जो हमारे मामले हैं सीमा शुल्क पर, उनको क्या किया जाता था, जब्त किया जाता था. कॉन्फिस्केटेड होती है ऑफिशियली टू समथिंग वे, ऑफिशियली जो वर्क होता है. स्टूडेंट्स आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, हमने पेज नंबर 18 रीड किया है, बाकी चैप्टर हम कल रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.